वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, स्नेहधर ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। गाइस आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। सबसे पहली बात बता दूँ, आज तक मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया है और ये है एक ऑनलाइन रिव्यू। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप देश के किसी भी कोने से हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उत्तराखंड की इस खूबसूरत वादियों में। आप देख रहे हैं धूप आपको बहुत दिखाई होगी, सवेरे बहुत दिखाई है, आज शाम है और कितना सुहानी शाम यहाँ पर हो रही है। और ये एक ऑनलाइन रिव्यू है। ऑनलाइन रिव्यू में आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं नेक्सॉन XMS के ओनर जो कि गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है मिस्टर राहुल। और उनसे आज हम काफ़ी इनपुट लेंगे नेक्सॉन के बारे में, पेट्रोल नेक्सॉन वो ओन करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी है इस गाड़ी में या उनको उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और एक स्पेशल बात मैं बताना चाहूँगा कि वो नेक्सॉन से एक बहुत अच्छा एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक स्पेशल चीज़ है क्योंकि काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है कि नेक्सॉन उनको 8 का एवरेज दे रही है या फिर उनको 10 का एवरेज दे रही है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है एवरेज से रिलेटेड और टाटा की आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड। तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मैं बुलाता हूँ अपने चैनल पे, मतलब ऑनलाइन बुलाता हूँ मिस्टर राहुल को और मिलते हैं उनसे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो पूरा देखिएगा, काफ़ी इनपुट्स मिलेंगे। और वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर राहुल से। हाय भोश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ब्यूटीफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो राहुल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने नेक्सॉन ही क्यों ली? तो नेक्सॉन लेने से पहले मैंने कई गाड़ियां देखी। एक्चुअली मेरा बजट बड़ा लिमिटेड था, मुझे 8 लाख तक की रेंज में थोड़ा सा ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए थी। ये मेरी पहाड़ों की विजिट काफी फ्रिक्वेंट होती है, तो उसके चक्कर में मुझे थोड़ी सी हायर ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए थी। पहले मैंने काइगर और मैग्नाइट से स्टार्ट किया क्योंकि वो मेरे बजट में बिल्कुल थी। बट काइगर और मैग्नाइट के साथ क्या था कि उनकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उनका नेचुरली ये एस्पिरेटेड इंजन जो था वो थोड़ा सा अंडर पावर फील हुआ मुझे। और टर्बो इंजन में अगर मैं जाता तो वो मेरी नेक्सॉन की रेंज में आ रहा था। एक्चुअली नेक्सॉन मुझे लगती बड़ी खूबसूरत थी, फ्रंट लुक उसका आगे से बड़ा एग्रेसिव बोल्ड, सीटिंग कम्फर्ट और स्पेस और जो सारे फीचर्स होते हैं वो सारे थे। मतलब सेफ्टी फीचर्स को आप लीजिए, छोटे से छोटे मतलब सारे सेफ्टी फीचर्स आप बाकी की गाड़ियों में अगर कंपेयर करेंगे तो जो उनका जैसे वेन्यू है या सोनेट है तो उनका जो स्टार्टिंग रेंज है वो एक तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है, प्लस वो सेफ्टी फीचर्स में कंप्रोमाइज होते हैं, टायर साइज छोटे हुए, DRL नहीं हुए, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी, काफी सारी चीजें हैं, कॉस्मेटिक चीजें हैं, बट ये मैटर करती हैं अगर आप फर्स्ट टाइम बायर, मैं तो फर्स्ट टाइम बायर भी हूँ बट हाँ काफी लोगों के लिए मैटर करती है और मेरे लिए भी मैटर कर रही थी। तो नेक्सॉन ओवरऑल पैकेज मुझे बहुत अच्छी लगी, एग्रेसिव भी लगी और एक तो 5-स्टार रेटिंग के साथ आई थी। हालांकि मैं जिंदगी भर मैंने मारुति और हुंडई की गाड़ियां चलाई हैं बट उस टाइम ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अभी अगर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली सेफ्टी के लिए जाऊंगा। तो नेक्सॉन टेस्ट ड्राइव लेने के बाद, नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव मैंने 3 बार ली और तीनों बार थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ मुझे। फिर वाइफ और बच्चों के साथ में गया फाइनल करने, तो उन लोगों को भी गाड़ी अच्छी लगी है। तो फिर इसके बाद ये सारे इसके जो फीचर्स थे, इसके लुक्स थे, वो सब स्टाइलिंग वगैरह काफी अच्छी थी, यही सोच के फिर मैंने नेक्सॉन फाइनल किया। तो एक बहुत ही स्पेशल बात है आपके लिए, जैसा कि आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आपका जो एवरेज है गाड़ी का, जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो कैसे निकाल लेते हैं आप ये इतना अच्छा एवरेज, या आपकी नेक्सॉन ही कुछ स्पेशल है जो इतना अच्छा एवरेज दे दे रही है? तो गाइस मैं अभी स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा यहाँ पर को कि कितना एवरेज उनकी गाड़ी दे रही है, बाकी राहुल जी बताएंगे अपने गाड़ी के एवरेज के बारे में। नेक्सॉन एवरेज मुझे तो बहुत अच्छा दे रही है। एक्चुअली एवरेज मैंने आपकी वीडियोज देखे थे काफ़ी और उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। एक्चुअली हाईवेज पे मैंने गाड़ी लेने के 1 महीने के बाद ही मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे गया, मैं अपने घर गया। एक्चुअली 2-3 शादियां अटेंड करनी थी तो वो मेरी राउंड ट्रिप पड़ी थी करीब 1600 किलोमीटर्स की। और उस ट्रिप में मतलब हाईवेज पे भी चली, रूरल एरियाज में भी चली, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हुई, सिटी ड्राइव्स भी हुई। तो उस राउंड ट्रिप में मुझे जाते टाइम जब घर पहुंचा मैं करीब 600 किलोमीटर पे, तो एवरेज मुझे मिला 23.4 का। और उसके बाद मैं वापस आया, 1600 किलोमीटर कंप्लीट हुए तो MID पर एवरेज था 21.4,
अच्छा एवरेज था एक्चुअली। मैंने चेक किया है मेरे एमआईडी और जो टैंक टू टैंक है उसमें 1 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आता है। एमआईडी पे 1 किलोमीटर का एवरेज ज्यादा शो करता है, बट एक्चुअल टैंक टू टैंक 1 किलोमीटर कम रहता है। बट उसके बाद भी अगर आपको हाईवे पे 20 का एवरेज दे रही थी, और मैं जब गया तब फुली लोडेड थी, 5 एडल्ट्स बैठे थे मेरी गाड़ी में, पूरा बूट भरा था, शादी का घर था, बहुत सारा सामान था। तो अगर इन कंडीशंस में आपको 20+ एवरेज दे रही है तो इट्स प्रीटी गुड। और मैंने तीन तीन चार चीजें ऑब्जर्व की हैं बेसिकली, कि आप एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आप लाइट फुट चलाइए, सडन एक्सेलरेशन, सडन ब्रेकिंग और फ्रिक्वेंट गियर चेंज बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप ये तीनों चीजें कर पाए, और मेरी ज्यादा ड्राइविंग सिटी मोड में हुई है, पहाड़ों पे भी इसने मुझे बहुत अच्छा एवरेज दिया है। पहाड़ों की मैंने ट्रिप की थी करीब 1100 किलोमीटर की, मैं चोपता, जोशीमठ, औली सब जगह गया था। तो वापस लौट के आया था 1100 1150 किलोमीटर हुए थे ओडो पे, 1100 1200 किलोमीटर हुए थे, वो भी करीब 19+ का एवरेज था। सो इट वॉज ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस विद नेक्सॉन, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एवरेज आई एम गेटिंग फ्रॉम इट। तो राहुल जी, नेक्स्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को शिकायतें भी रहती हैं नेक्सॉन से कि यार ये ख़राब हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, गाड़ी लेने के बाद लोग काफ़ी शिकायतें करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई नेक्सॉन में जो है अभी तक? भविष्य जी, नेक्सॉन लेने से पहले मैं थोड़ा सा सोच में था कि वेदर आई शुड गो विद टाटा और आई शुड लुक फॉर सम अदर कार। थोड़ा सा एक वो था रिलायबिलिटी को लेकर, टाटा की रिलायबिलिटी को लेकर इशू था, क्योंकि पहले मेरे फ्रेंड्स के पास थी टाटा की गाड़ियाँ, तो उनमें कई बार सडन ब्रेकडाउंस हो गए थे, तो वो चीज़ एक कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रही थी। फिर मैंने बाद में काफ़ी कंसल्ट करके लोगों से रिव्यूज, अब वीडियोज और रिव्यूज वगैरह देख के आई वेंट अहेड एंड बुक नेक्सॉन। तो हुआ क्या कि एक्चुअली शुरू में मुझे कुछ इश्यूज आए, एक दो छोटे छोटे निगल्स थे। गाड़ी लेने के फर्स्ट वीक, आई मीन शुरू के 3 4 दिनों में ही, एक बार मैं मार्केट में था, मेरे बच्चे भी थे, तो उसकी सनरूफ ने काम करना बंद कर दिया। वो एक सर्टेन पॉइंट तक जाती और वापस आती, बंद नहीं हो रही थी ठीक से। तो दैट वाज क्वाइट अनोइंग एक्सपीरियंस बेसिकली। फिर मैंने उनके कस्टमर केयर कॉल किया। अच्छा, फिर थोड़ी देर क्या किया, मैंने आरएनडी करके उसको धीरे धीरे सनरूफ आगे बढ़ा के बंद तो कर दिया, बट आई कॉल्ड द कस्टमर केयर। तो उन्होंने बोला कि आरएसए वाले आपको अभी विद इन हाफ एन आवर कॉल कर लेंगे, और मेरे पास कॉल भी आ गई रोड साइड असिस्टेंट से उनकी। दे आस्क कि अभी आप कहाँ पे हो, आई सेड कि मार्केट में हूँ, नियर बाई प्लेस थी वो। तो उसके बाद उन्होंने कहा, एक्चुअली दे आस्क कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू यू आर फेसिंग। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कार मेरी ना मार्केट में हूँ, बट सनरूफ का इशू आ रहा, क्लोज नहीं हो रही। तो दे सेड कि सर सनरूफ का इशू है, तो बेटर है आप ना कार को सर्विस सेंटर ले आइए। अगर कोई ऐसा ब्रेकडाउन होता, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, बैटरी ड्रेन हो गई होती, फ्यूज वगैरह कुछ इश्यू होता जिसमें टो करना पड़ता, तो हम आके आपको देख लेते। अगर आप सर्विस सेंटर ले आओगे तो वहां पर कोई जो भी इशू होगा हम प्रॉपरली, क्योंकि अभी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, सर्विस सेंटर पास ही है, तो आप आ जाइए, हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो मुझे बात थोड़ी सी उनकी ठीक लगी, और मैंने कहा ठीक है, मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज ऑलरेडी शाम हो रही थी। मैंने कहा मैं कल आता हूँ। और तो फिर मैं नेक्स्ट डे कल गया सर्विस सेंटर, और 15 20 मिनट लगे, उन्होंने शायद सेंसर रिसेट किए और उसका क्लीन किया, जो क्या बोलते हैं सनरूफ है, सनरूफ का पूरा क्लीन किया अच्छे से, और उसके बाद से मुझे कोई इश्यू नहीं आया। इस बात को लेके हो गए 6 महीने से ज्यादा। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विच आई फेस्ड सनरूफ को लेके। दूसरा इश्यू आया कि मुझे पहला गियर इंगेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बड़ा हार्ड चल रहा था पहला गियर, ठीक से लग नहीं रहा था, अटक अटक जैसा रहा था। और ये शुरू की बात है, पहले दिन की बात है। और एक अजीब सी प्रॉब्लम और हुई कि पहला गियर इंगेज किया और थोड़ा आगे बढ़ा तो वो ऑलरेडी न्यूट्रल में आ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, पहले मुझे लगा कि शायद गियर ठीक से इंगेज नहीं हुआ होगा तो इसलिए वापस न्यूट्रल में आ गया। फिर मतलब फ्रिक्वेंटली बट दिन में 1 2 बार ऐसा होने लगा। तो फिर जब सनरूफ का इशू आया, तो मैं टाटा के सर्विस सेंटर में मैंने उनके उनसे सर्विस एडवाइजर से इसकी भी बात की कि ये इंगेज नहीं हो रहा, हार्ड है और फ्रिक्वेंटली ना न्यूट्रल में आ जाता है, 10 में से नहीं, बट हाँ 4 5 में, मतलब पिछले 1 हफ्ते में 3 4 बार आ चुका है न्यूट्रल में, ऐसी इश्यूज में फेस कर रहा हूँ। तो दे सेड कि सर ये थोड़ा सा इशू है, और अभी आप गाड़ी चलाइए, 2 3 हफ्ते चलाइए, एक बार गियर ठीक हो जाएगा, आप यूज्ड हो जाएगा, थोड़ा सा रमा टाइप का हो जाएगा, तो इश्यूज नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, अदरवाइज मेरी सर्विस तो ड्यू थी, 1 1.5 महीने बाद जाना था, मैं फिर से चला जाता।
तो मैंने यूज किया। उसके बाद फिर शुरू के 10-15 दिन वाली इशू रहा, पहला गियर ठीक से इंगेज नहीं हो रहा था, हार्ड था या न्यूट्रल में आ रहा था, बट उसके बाद से कोई इशू आया नहीं। और ये दो इशूज थे जो मैंने फेस किए। उसके बाद से तो ऐसा सच कोई इशू नहीं रहा मेरी गाड़ी में, और इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, आई डोंट हैव एनी इशूज इन इट। अभी तक तो और कोई इशूज आए नहीं मुझे, इवन पंक्चर भी नहीं हुई एक बार। बाकी आगे देखते हैं, कुछ और होता है तो आपको अपडेट करूंगा मैं। जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि ये प्रॉब्लम्स गाड़ी में आई और ऐसे रिजॉल्व हुई, तो दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम जब आती है तो हमें सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है। तो सर्विस सेंटर जब आप जाते हैं तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है सर्विस सेंटर पे? क्योंकि टाटा के सर्विस सेंटर या आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी बदनाम रही है, अब थोड़ा सुधार हो रहा है जो कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जो टाटा की गाड़ी रखते हैं, बट फिर भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं। तो आपके संग एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस सेंटर वालों का? मेरे एरिया के पास 4 सर्विस सेंटर्स हैं, तो मेनली मैं तो उसी सर्विस सेंटर में जाता हूँ जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज आई एम गेटिंग। ऐसा तो है नहीं, टरकाऊ वाली अप्रोच तो नहीं थी ऑफ कोर्स, और नो डाउट रश होता है सर्विस सेंटर पे, सारे टाटा की सर्विस सेंटर पे भीड़ होती है। तो कोशिश करें सुबह अगर आप जल्दी पहुंच जाएं तो आप कि गाड़ी जल्दी मिल भी जाएगी। और अभी ऐसे कोई इश्यूज ऐसे ज्यादा आए नहीं, 2 सर्विसेज हुई हैं अभी तक, दोनों फ्री सर्विसेज थी, तो उसमें भी चेकअप करके, जनरल चेकअप, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सब करके वापस मिल गई गाड़ी। तो सर्विस सेंटर को लेके तो कोई इश्यू है नहीं एज सच, दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन एंड आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ। तो अगली चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाईवे में जब आप चलते हैं तो गाड़ी आपको कितनी स्टेबल लगती है? जी, हाईवे पे काफी चलाई मैंने गाड़ी, और ट्रस्ट मी, हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी अनमैचेबल है। क्योंकि होता क्या है कि जब थोड़ा सा आप स्पीड क्रॉस करते हो 40, 50, 60, तो इसका स्टेयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाता है, और उसके बाद इसकी मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, इवन इफ यू ड्राइव एट 100+, 110, 120, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। इट्स अ परफेक्ट हाईवे पे, तो आप स्ट्रेट लेन में चलना है तो आप कितना भगा लीजिए, कोई आप कभी आपको इसमें अनस्टेबिलिटी नहीं लगेगी, अनस्टेबल नहीं लगेगी। और इन पहाड़ों पे भी, कर्व्स में भी ना, ये इसका कंट्रोल गजब का है। मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है पहाड़ों पे, और स्नो में, ब्लैक आइस में इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, आई मीन एवरीथिंग, ब्रेक असिस्ट, सब कुछ परफेक्टली काम करता है। तो जो ओवरऑल ड्राइविंग ड्राइविंग प्लेजर है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, ये काफी काफी अच्छा है एक्चुअली। तो स्टेबिलिटी वाइज तो कोई इशू है नहीं मुझे। सो राहुल जी, अगली चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको गाड़ी में क्या पॉजिटिव लगता है और क्या नेगेटिव लगता है, थोड़ा इस बारे में हमें बताना चाहिए। भूष जी, आपने सही कहा, हर गाड़ी में कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, नेक्सॉन में भी हैं। मेरी गाड़ी है नेक्सॉन XMS मॉडल, और इसमें है पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव्स डिस्कस करता हूँ आपसे। कुछ चीज़ें इसकी थोड़ी सी, जिस हिसाब से पैसे लिए हैं उसके हिसाब से अच्छी नहीं लगी। एक सबसे बड़ा जो इसका नेगेटिव है, इसकी हेडलाइट है लो बीम, वो मतलब होना ना होना उसका बराबर, उसका थ्रो बहुत कम है। दूसरा नेगेटिव इसका है, एक आप MID कंसोल पे देखिए, यूजुअली आजकल सारी गाड़ियों पे एक आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो बाहर का टेम्परेचर बताता है, इसमें नहीं है, ना ही कोई डेडिकेटेड डोर लॉक अनलॉक बटन है। आपको अगर डोर अनलॉक करना है चला रहे हो तो आपको जो हैंडल है, डोर ओपनिंग हैंडल है, उसके ऊपर जो बटन है वो आपको पुश करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है। तो ये एक होना चाहिए एक्चुअली, मुझे लगता है कि एक डेडिकेटेड डोर लॉक अनलॉक बटन होना चाहिए। तीसरा इसका निगेटिव है जो मुझे लगा, एक इसका जो IRVM है, जो रियर व्यू मिरर है, वो बड़ा मतलब इट्स नॉट अप टू द मार्क। ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा, क्योंकि इनमें ज्यादा कॉस्टिंग आनी नहीं, 150 रुपए का लाइटिंग टेम्परेचर सेंसर लगेगा, सेम विद रियर व्यू मिरर भी कोई ज्यादा कॉस्टली आता नहीं, तो यहाँ पर अननेसेसरी की कॉस्ट कटिंग हुई है। बाकी बात करते हैं अब इसके पॉजिटिव्स की। तो नेक्सॉन में है, मतलब मुझे तो ओवरऑल एज अ अगर पैकेज देखें अंडर 10 लाख, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 9.8 लाख ऑन रोड। तो उस पैकेज में
जो मुझे मिली थी, मतलब टू मी इट्स परफेक्टली वैल्यू फॉर मनी, टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। आपको हर छोटी से बड़ी चीजों का, मैंने देखा कई सारे लोगों ने कहा कि इसकी फिट एंड फिनिश नेक्सॉन की या टाटा की गाड़ियों की अच्छी नहीं है, बट मुझे मेरी गाड़ी में कोई ऐसी कहीं इशू आया नहीं कि कहीं कोई गैप, पैनल गैप रह गया हो या कोई फिट एंड फिनिश का इशू हो, वो सब बिल्कुल परफेक्टली फाइन था। कुछ एक इशूज थे जो पीडीआई के टाइम पे मैंने फिक्स करा लिए थे, एक सनरूफ बोल रहा हूँ, रूफ रेल उसकी ढीली थी, वो हो गई थी फिक्स, और एक आधे छोटे मोटे इश्यूज थे कोई, वो सब फिक्स हो गए थे और पीडीआई के टाइम पे। उसके अलावा से कोई मुझे इश्यूज लगे नहीं। तो इसका पॉजिटिव, सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका ये है कि अंडर 10 लाख ही आपको एक 5 स्टार रेटेड कार मिल रही है, जेन्यून कार, आई मीन विच इज टोटली सेफ। आपको एक बैठ के उसको ड्राइव करके आपको सेफ्टी, यू विल फील दैट थिंग। दूसरा, इसका एसी इतना स्ट्रांग है, अगर इवन अभी दिल्ली में टेम्परेचर इज अराउंड 43-44, और अगर आप फैन स्पीड 2 पे करके 15-20 मिनट आगे बैठ जाओ, तो आई एम श्योर कि आपको फैन एसी बंद करना पड़ेगा, एसी ऑफ करना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अदरवाइज का स्पेस, स्पेस मैनेजमेंट, आप बूट देख लीजिए, रियर पैसेंजर सीट का कुशन कंफर्ट, अंडर थाई सपोर्ट, सारी चीजें अच्छी हैं। मतलब मुझे तो, अगर मैं अपनी अर्टिगा से कंपेयर करूं तो दैट्स अ डिफरेंट सेक्शन था, एक बड़ी गाड़ी थी वो, बट उसके अलावा मुझे ये अच्छा लगा, इसका स्पेस और ओवरऑल चीजें परफेक्टली फाइन। तो जो निगेटिव्स पॉजिटिव्स मुझे लगे ये मैंने भी बताया सो राहुल जी, आप चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपने इतने अच्छे अच्छे इनपुट्स दिए दर्शकों को। और गाइस, अगर आप लोग भी हमारे चैनल पे ऑनलाइन के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं और अपना ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो चैनल पे ज़रूर आइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप टाटा की गाड़ी ऑन करते हैं, आप कोई भी गाड़ी ऑन करते हैं, आपके पास किसी भी कंपनी की गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी है, तो ज़रूर मेरे साथ ऑनलाइन पे जुड़िए। क्योंकि देखिए, आप हमारा चैनल देखते हैं और या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपके पास आएँ, आप हमारे पास आएँ, इसके लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी है। हम ऑनलाइन रिव्यू करेंगे और दर्शकों को अच्छे अच्छे इनपुट्स देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड।